हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोबोरेशन के बारे में समझ लिया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। नाउ अब हम चलते हैं एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, OMDM रिएक्शन, ठीक है, डीमर्क्यूरेशन। देखो यहाँ पर समझते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आप देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन आपका होता क्या बच्चों? काफी सिंपल रिएक्शन है। शॉर्ट में आप इसका नाम पढ़ोगे बच्चों, OMDM, ठीक है। ये भी नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा, ठीक है, OMDM रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यहां पर दिस रिएक्शन इज प्रोसीड इनटू टू स्टेप। ये रिएक्शन आपका कितने स्टेप में प्रोसीड होता है बच्चों? दो स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब आपका क्या होगा? यहां पर देखो HgOAC2 और H2O ग्रुप दोनों का एडिशन होगा इसमें। और स्टेप 2 आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर स्टेप सेकंड आपका क्या होगा? डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब डीमर्क्यूरेशन क्या होगा बच्चों? आपका यहाँ पर रिमूवल ऑफ HgOAC ग्रुप, ठीक है, HgOAC ग्रुप बाय बाय NaBH4, ठीक है। इसको ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म को हम एक बार अनसिमेट्रिकल एल्किन के थ्रू ही हम इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्किन के थ्रू देखते हैं। ये आपका मैंने लिया यहाँ पर एक बार, हाँ मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म आपका किस तरीके से प्रोसीड होता है बच्चों? इसका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, HgOAC, ये इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, HgOAC या मैंने HgOAC, ठीक है। अब ये आपका किसकी तरफ बिहेव करेगा बच्चों? ठीक है, यहां पर समझेंगे। यहां पर आपका क्या है बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? एल्कीन कैन डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब किसको देगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल को देगा। एल्कीन कैन डोनेट द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द इलेक्ट्रोफाइल, सो इट कैन बिहेव एज व्हाट? इट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। सो इट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, तो यहां से ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका क्या बनेगा? CH3CH कार्बोकेटायन, यहां पर CH2, यहां पर HgOAC, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्या हो सकता है बताइए। अब देखो इसके पास, आपके पास क्या है? इसके पास है ना, देखो ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। आप देखो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और ये क्या करेगा? यहां पर आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके बाद किसका फॉर्मेशन कर लेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मतलब, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरी आयन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरी आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो H2O मॉलिक्यूल आएगा, इसके बाद इस स्टेप को क्या बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ NCC हाइड्रोलाइसिस, इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ NCC मतलब नॉन क्लासिकल कैटायन का आपका ओपनिंग होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे ही आपका किसी रिएक्शन में NCC का फॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे ही आपका किसी रिएक्शन में NCC का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट डजंट अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कैटायन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, अब ये आपका क्या कहां से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। अब जैसे ही ये आपका बैक साइड अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CHOHH, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर CH2, यहां पर HGOAC। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो यहां से कौन आपका रिमूव होगा, अब ये आपका यहां ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CHOHCH2HGOAC। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि OH आपका कहां से आया, ठीक है, OH is comes from H2O, ठीक है, OH is comes from H2O। तो यहां पर इस स्टेप में इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, ध्यान से समझेंगे काफी, इस स्टेप में आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है तो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर इन स्टेप फर्स्ट ठीक है, OH ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप्स कम्स फ्रॉम H2O, ठीक है। अगर यहां पर इफ वी विल टेक D2O, then OD group will attach, ठीक है, OD group will attach, आपका कौन सा ग्रुप अटैच होगा बच्चों, OD ग्रुप होगा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट का ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो स्टेप सेकंड आपका क्या होगा बच्चों, डीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरेशन आपका हट जाएगा, ठीक है, मर्क्यूरी ग्रुप आपका हटेगा। तो स्टेप सेकंड समझते बच्चों, स्टेप सेकंड नाम क्या बच्चों, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको, डीमर्क्यूरेशन को, ठीक है, स्टेप सेकंड को हम लोग, काफी अच्छा रिएक्शन है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर OH आ गया था, यहां पर क्या आएगा CH2HGOAC, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका हाईली पोलराइज होता है, क्या होता है, हाईली पोलराइज बॉन्ड होता है, ठीक है, हाईली पोलराइज बॉन्ड होता है। अब क्या होगा कि यहां से ध्यान से समझना, NaBH4 जैसे ही आएगा तो यहां से H इसका अटैक करेगा, NaBH4 का क्या अटैक करेगा, H अटैक करेगा और आपका क्या बना देगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका उसी टाइम डिसोसिएट होगा, सिमिलर टाइम जब आपका H अटैक करेगा सिमिलर टाइम आपका ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड होता है। तो यहां पर आपका CHOH और यहां पर CH3 बन गया, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ सेकेंड स्टेप में, इन स्टेप सेकेंड हमको क्या रिमेंबर करके रखना है बच्चों, ठीक है, H ग्रुप will come from NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है इसका बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका नाम है, ठीक है। इफ वी विल टैक NaBD4, then D group will attach, आपका कौन सा ग्रुप अटैच होगा बच्चों, D group आपका जाके अटैच होगा, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देन फाइनली इस रिएक्शन में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट नोट इस रिएक्शन का, रीअरेंजमेंट डज नॉट अकर, ध्यान से समझ लेना बच्चों इसको, डज नॉट अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कैटायन, मतलब NCC का फॉर्मेशन होने की वजह से आपका यहां पर
रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे बेसिस हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये आपका क्या होगा बच्चों, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे वो भी ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा, एडिशन लाइक मार्कोनिकॉफ रिएक्शन विदाउट रीअरेंजमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, इसको ध्यान भी रख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आप लोग, आई होप सो कि आप लोग मैकेनिज्म को ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद तो रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से बच्चों, आप लोग मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका मैकेनिज्म अगर आपको आता होगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर कि इसका है, एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने CH3 ये मैंने लिया ये। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको एक बार बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो H3O+ या फिर H+ कर दिया मैंने, यहां पर H2O कर देता हूं बच्चों। ठीक है, सेकंड मैंने लिया B2D4, ठीक है, B2D6, ठीक है, THF, H2O2 एंड OH-, देन मैंने यहां क्या लिया एक और बच्चों, यहां मैं लेता हूं बच्चों HGOAC2 D2O NaBH4। ठीक है, ये मैंने लिया। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों एक एक करके, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पहला रिएक्शन आपका क्या है, पहला रिएक्शन सिंपल आपका इलेक्ट्रोफिलिक। तीनों रिएक्शन क्या है, तीनों रिएक्शन के बारे में हम एक चीज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तीनों रिएक्शन आपका, जब आपका तीनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखो यहां पर आपका क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, मतलब यहां पर क्या बन सकता है आपका, NCC बनता है। यहां पर भी आपका क्या बनता है, NCC बनता है। दोनों जगह आपका NCC का फॉर्मेशन होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों जगह आपका किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, NCC का फॉर्मेशन होगा। अब देखो दोनों जगह अगर आपका NCC का फॉर्मेशन होगा तो आपको आई होप सो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां पर आपका एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पर आपका कौन सा बनेगा बच्चों, सिन एडिशन, बस इस चीज को ध्यान रखना है। चलो अब करते हैं बच्चों, यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा बच्चों। जैसे ही ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3, और यहां पर H अटैच हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज व्हाट 2° कार्बोकेटायन, ये आपका क्या है बच्चों, 2° कार्बोकेटायन है। अब ये अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए रीअरेंज करेगा, अब देखो रीअरेंज करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3° कार्बोकेटायन हो गया। ठीक है, 3° कार्बोकेटायन हो गया तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH- आपका अटैक कर जाएगा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट आपके दो बनेंगे, ठीक है, और इसकी वजह से आपका तीन बन जाएगा, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर अगर पूछेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट आपके कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। नाउ इसको समझते बच्चों, आप देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब मैंने आपको बताया था एंटी मार्कोनिकोफ टाइप होता है। ठीक है, अब देखो ओडी कहाँ लगे, यहाँ पर इससे क्या आएगा बच्चों, OH, और इससे क्या आएगा, D आएगा। अब देखो रिएक्शन कहाँ होगी, ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बन रहा था, यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बन रहा था, ये कार्बोकेटायन आपका रीअरेंज हो सकता था, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, OH, और यहाँ पर आपका क्या लगेगा बच्चों, D। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोफ टाइप, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोफ टाइप। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यहां पर मार्कोनिकोफ टाइप विदाउट रीअरेंजमेंट, दोनों में यही है, यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ओडी यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, ये क्या होगा बच्चों, मार्कोनिकोफ टाइप विदाउट रीअरेंजमेंट, दोनों रिएक्शन आपके क्या बच्चों, विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, विदाउट
रीअरेंजमेंट। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां तक हम इस रिएक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं एल्कोहल को प्रिपेयर करने का तीसरा मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड हमारा क्या है बच्चों, बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तीसरा मेथड, मेथड थर्ड। ठीक है, मेथड थर्ड में आपका क्या, बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही काफी कुछ बता दिया है। बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम यहां पर एल्कोहल का प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको जैसे बताया था, अब आपका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, अब आपका एल्कोहल का रिविजन, एल्कोहल में आपको काफी रिएक्शन है, अब आपकी रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो मैं रिपीट रिएक्शन इसलिए लूंगा बच्चों ताकि आपके पुराने टॉपिक भी रिवाइज होते जाए साथ साथ। ठीक है, अगर मैंने रिएक्शन को रिपीट नहीं किया तो आपके पुराने टॉपिक आप भूलते जाओगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम देख लेते हैं यहां पर ग्रिगनार्ड से कैसे होगा। बच्चों देखो, अगर मैं एल्डिहाइड लूंगा, अगर मैं एल्डिहाइड लूंगा, ठीक है, एल्डिहाइड मैंने लिया, तो एल्डिहाइड में देखो मैं फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन फर्स्ट, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ करवा दूं और हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, तो आप लोग जानते हो रिएक्शन टाइप की क्या है बच्चों, रिएक्शन किस टाइप का होगा, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका ऊपर खुलेगा बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, HCCH3O-MgBr और यहाँ पर H आ जाएगा। नाउ इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। ठीक है, अब इसका मैं क्या कराऊंगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, प्राइमरी एल्कोहल, क्या बन गया आपका, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की ओर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं यहां पर सेकेंड रिएक्शन की ओर, तो देखते हैं यहां पर सेकेंड रिएक्शन आपका क्या होगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन में कीटोन से आपको करवाना है, देखते हैं कीटोन का क्या है, कीटोन में आपको CH3CO CH3। अब देखो यहां पर आप किसी भी टाइप का ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले सकते हो बच्चों। ठीक है, यहां पर आप किसी भी टाइप का ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप लोग ले सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिया CH3MgBr। ठीक है, अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, अब देखो ये भी आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये माइनस और ये प्लस, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CO MgBr और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी आपका CH3। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहाँ पर CH3COH CH3CH3। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, यहां पर आपको कौन सा मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहां पर क्या हो रहा है, वी कैन, यहां पर इंपॉर्टेंट नोट अब हम समझ लेते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट नोट है, वी कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल बाय वन मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेने से ही मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर समझ में आया। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, ईस्टर के साथ और असाइल हैलाइड के साथ। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट। ठीक है, रिएक्शन विद थर्ड असाइल हैलाइड। ठीक है, असाइल हैलाइड के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, देखो RCOCl CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन में अगर असाइल हैलाइड के साथ कराऊंगा हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा, ये यहां से अटैक करेगा। नाउ क्या होगा बच्चों, RCO-MgBr। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 यहां पर CL। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा,
इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका ग्रुप एलिमिनेट होगा, यहां पर आपका Cl- एलिमिनेट हो गया, तो यहां पर क्या जाएगा RCOCH3। ये तो हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट मोल। ठीक है, फर्स्ट मोल हमारा हो गया। अब देखो सेकंड मोल का जब मैं यहां पर यूज करूंगा, देखो ध्यान से, सेकंड मोल का जब मैं यहां पर यूज करूंगा बच्चों CH3MgBr, तो यहां पर माइनस ये प्लस, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि ये अब क्या बन गया बच्चों, कीटोन। ये अब क्या बन गया, कीटोन। अब ये यहां पर कीटोन बन चुका है, तो यहां पर एक मोल के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा, CH3O-MgBr और यहां पर CH3। नाउ फर्दर मैं अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहां पर क्या होगा, RCOCH3CH3OH। आई होप सो कि यहां से भी आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सिमिलर स्टेप आप लोग एस्टर के साथ करिएगा बच्चों, एस्टर के साथ भी आपका सिमिलर स्टेप आपका फॉलो होगा। ठीक है, असाइल हैलाइड। ठीक है, सिमिलर स्टेप आपका किसके साथ फॉलो होगा बच्चों, आपका फॉलो होगा किसके साथ, यहां पर सिमिलर स्टेप आपका एस्टर के साथ भी फॉलो होगा। तो देख लेते हैं हम एक बार एस्टर का भी पॉइंट। ठीक है, थर्ड फोर्थ बाय एस्टर। ठीक है, एस्टर के साथ कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, RCOOCH3 इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ करवाएंगे, तो सबसे पहला कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आपका फॉलो होगा। ठीक है, अब ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा। नाउ क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ध्यान से फिर से मैंने आपको रिवीजन कराया बच्चों, अब इस चीज को बार बार ना भूलेंगे नहीं बच्चों, एक दो बार अगर आप करोगे तो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। ये आपका O माइनस MgBr, ठीक है, यहाँ पर CH3 CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये माइनस चार्ज नीचे जाएगा और यहाँ पर आपका OCH3, ठीक है, ये आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एलिमिनेशन स्टेप, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एलिमिनेशन स्टेप। ठीक है, नाउ अब क्या होगा बच्चों, RCOCH3। नाउ इसकी रिएक्शन अब मैं किसके साथ कराऊंगा बच्चों, इसकी रिएक्शन अब मैं फिर से एक मोल ग्रिग्नार्ड के साथ कराऊंगा। देखते हैं बच्चों, CH3MgBr के साथ कराऊंगा, ये माइनस ये प्लस, नाउ ये इधर ये इधर, तो अब आपका क्या होगा बच्चों, RCO-MgBr, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। फर्दर में जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आपका क्या होगा, इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका RCOOH CH3 CH3, यहां पर क्या बन गया बच्चों, हमारा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चार को इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चार के केस में भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन यहां पर मैंने आपको साइनाइड के केस में भी बताया था, फोजिन के साथ भी, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, होमवर्क में आपको बता देता हूं, इसमें प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, इसका होमवर्क में आपको दे देता हूं बच्चों। फर्स्ट आपको क्या करना है, यहां पर अगर मैंने RCO, ठीक है, सॉरी ये मैंने ले लिया, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको CH3MgBr के साथ करानी है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा, तो यहां पर आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है और इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका बाय एमीन, एमीन के साथ हम इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, देख लेते हैं बच्चों एमीन के साथ। ठीक है, बाय एमीन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। देखो अब पहले हमने किसके साथ पढ़ा, एल्काइल हैलाइड के साथ, फिर दूसरा हमने एल्किन के साथ पढ़ा, तीसरा हमने ग्रिग्नार्ड के साथ पढ़ा, अब फोर्थ हम समझते हैं यहां पर बाय एमीन। ठीक है, अब देखो बाय
अमाइन, ठीक है, अमाइन के साथ, मतलब अमाइन के साथ कैसे, आर एन एच टू। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मैंने आपको बता रखा है, सेम मैकेनिज्म मैंने आपको समझा रखा है बच्चों, अब वो वही मैकेनिज्म आपका रिपीट होगा, लेकिन अब तरीका क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है, देख लेते हैं, काफी अच्छा रिएक्शन है, और यही रिएक्शन आपका फिर आपका रिपीट होगा फिनोल में। पहले ही बताता हूँ बच्चों, 2 से 3 बार आप लोग करो इसको, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 1 डिग्री अमाइन लूंगा, सबसे पहले मैकेनिज्म अब हम समझ लेते हैं, मैकेनिज्म अब हम समझ लेते हैं, यहां पर मैकेनिज्म इसका समझते हैं। तो देखो यहां पर आर एन एच टू की रिएक्शन, अगर मैं एच एन ओ टू कहां से आएगा बच्चों, एन ए एन ओ टू और एच सी एल के साथ, इन और साथ ही तुरंत मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आर ओ एच, ठीक है। अब यहां पर विद एस्केपिंग ऑफ एन टू गैस आपका रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको देखो यहां पर बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। देखो अब हम कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, समझना बात को ध्यान से, काफी इजी है। देखो मैकेनिज्म अब मैं बताता हूँ, आर एन एच टू सबसे पहला आपका क्या है बच्चों, रिएजेंट है, ठीक है, रिएजेंट है आपका, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं बता रखा है बच्चों, तो आई होप सो कि आपको अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने एन ए एन ओ टू लिया, ठीक है, और यहाँ पर एच सी एल लिया, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका एच एन ओ टू प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में आपका एन ए सी एल निकल जाएगा। देखो आप यहाँ पर एच प्लस है, अब देखो एच ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये आपका एन ओ टू ये वाला, ठीक है। अब ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, एच ओ एच प्लस सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। नाउ अब ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस इज बिहेव एज लिविंग ग्रुप, ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, एनओ प्लस, ये क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर आपका H2O बाहर निकल गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये मैंने आपको कहां बताया था बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट में सेम रिएक्शन मैंने बताया था, वही रिएक्शन मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपको यहीं पर याद रखना है इसको। देखो आप अब क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन के साथ कराएंगे रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो 1 डिग्री अमाइन के साथ कराएंगे तो क्या होगा, आर एन एच टू की रिएक्शन, अगर मैं एन डबल बॉन्ड ओ प्लस इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर होगा। अब इसके पास जब आपका लोन पेयर होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या बना लेगा, आर एन एच एच प्लस सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका एच बाहर निकलेगा, तो यहां पर आर एन एच, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब बात को समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग, काफी इजी है। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर मैं अगर इस पर ओ एच का अटैक करा दूं, किस पर, इस ऑक्सीजन पर एच का अटैक करा दूं एच प्लस का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर एन एच यहां पर एन डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, ठीक है, ये आपका ओ एच प्लस। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, ठीक है, और यहां से ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, आर, ठीक है, आर यहां पर आपको सबसे पहले आप ना बॉन्ड खोल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप बाद में करेंगे, आर एन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर फिर से प्लस चार्ज, एन यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर ओ और यहां पर एच, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर जो एच है ये एच यहां जाएगा, ठीक है, एच जब आपका इस तरफ मूव करेगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, एच जब आपका उस तरफ मूव करेगा, तो आर एन यहां पर आपका एन प्लस आपका हट जाएगा, डबल बॉन्ड एन ओ एच एच, ठीक है। अब ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, आर एन टू प्लस। अब आप समझ रहे होंगे कि सी यहां पर क्या आ जाएगा, सी एल, इसकी वजह से, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, डाई एजोनियम सॉल्ट, यहां पर आपका क्या बन गया, डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है बच्चों। ये बात ध्यान रखना कि मैकेनिज्म हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैकेनिज्म हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैकेनिज्म आपका बाद में आया, पहले रिएक्शन आया, फिर उसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म आपका बाद में आया, मैकेनिज्म लिखने के तरीके
मतलब किसी बुक में कुछ और तरीके से होगा, किसी बुक में कुछ और तरीके से होगा, लेकिन आपका इस तरीके से प्रिपेयर होगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं अगर इसका बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस करा दूं, ठीक है, समझते हैं, अगर मैं बेंजीन नहीं, यहां पर एल्काइल एल्काइल एजोनियम सोल्ट का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर ROH बन जाएगा विद एस्केपिंग ऑफ N2 गैस, ठीक है। अगर मैंने क्या लिया 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, अगर मैंने यहां पर 2 डिग्री अमाइन लिया होता तो क्या होता बच्चों, देख लेते हैं। अगर मैंने 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन में अगर कराऊंगा तो आपका क्या होगा, समझते हैं बच्चों अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड डिग्री के लिए रिएक्शन कैसे होगा। RNH अगर इसकी रिएक्शन में अगर किसके साथ कराना है बच्चों, हमें NaNO2 और HCl के साथ, किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ, तो आपका रिएक्शन किस तरीके से होगा बच्चों, देखते हैं। देखो यहां पर R N डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, नाइट्रोसोलियम आयन, ठीक है, ये आपका नाइट्रोसोलियम बनेगा जो कि आपका क्या होगा, येलो ऑयल कलर का, कौन से कलर का, येलो ऑयल कलर का आपका सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन आपका कौन से कलर का आएगा, येलो ऑयल कलर का आपका यहाँ पर सॉल्यूशन क्रिएट होगा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री की बात करूंगा, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं 3 डिग्री की बात करूंगा तो आपका क्या होगा, देखो ये आपका 1 डिग्री अमाइन के लिए था, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन के लिए था, इसका मैं हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकता, 1 डिग्री अमाइन के लिए था, ठीक है। यहां पर अब मैं बता देता हूँ 3 डिग्री अमाइन, अब देखो 3 डिग्री अमाइन के केस में यहाँ पर R R R और मैंने यहाँ पर N का रिएक्शन करा दिया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R R R N2 N+ HCl-, इस तरीके का आपका आयोनिक सॉल्ट बना लेगा, क्या बना लेगा, आयोनिक सॉल्ट, ठीक है, आयोनिक सॉल्ट बना लेगा इस तरीके का आपका, ठीक है, NH+ और HCl- आयोनिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या होगा, क्लियर सॉल्यूशन, ये भी आपका क्या होगा, क्लियर सॉल्यूशन, अब ध्यान से समझना, ये भी आपका क्लियर सॉल्यूशन होगा, क्लियर सॉल्यूशन विद विद एस्केपिंग N2 गैस के रिमूवल के साथ, ये आपका क्लियर सॉल्यूशन विदाउट एस्केपिंग N2 गैस, विदाउट एस्केपिंग N2 गैस। अब बात को ध्यान से समझना, अगर मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंस करने वाला पॉइंट है, तो यहां से मैं आपको क्या बता दूंगा, दिस इज अ टेस्ट फॉर, दिस इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के बीच में टेस्ट है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से भी मैं केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन के केस में, ठीक है, बाय बाय इसके लिए मैं नीचे लिख देता हूं, बाय 1 डिग्री अमाइन वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल, ठीक है, नॉट 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, तो इस बात का ध्यान रहे बच्चों। अब देखो यहां पर मैंने एक और चीज बताया कि अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लूंगा और मैं 3 डिग्री अमाइन लूंगा तो एल्कोहल का प्रिपेयर नहीं होगा, केवल और केवल किसके के केस में होगा बच्चों, 1 डिग्री के केस में। तो यहां तक आपको आई होप की समझ में आया होगा, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और थोड़े बहुत रिड्यूसिंग रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग वो रेजेंट के बारे में जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, NaBH4 LiAl H4। तो आई होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके केवल और केवल 2 या 3 आपके प्रिपरेशन मेथड बचे, उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की ओर मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।